चलो जय हिंद बच्चों, भिड़ जाओ। हम लोग टेंस में कहाँ तक कर लिए थे? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सारा कंटिन्यूअस एक ही जैसा होता है, जितना भी कंटिन्यूअस है ना, सब कंटिन्यूअस एक ही तरह से होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस सबका अपना अपना क्या पढ़े हम लोग? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, सभी टेंस का अपना पहचान होता है। और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो किसी भी वर्ब के अंत में, कोई भी वर्ब के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, डॉट डॉट लगा रहता है। ये सब चीज अगर लगा हुआ रहे तो ये देखो टोटल जिस वर्ब में ये सब लग जाए, इसका सीधा अंग्रेजी वर्ड में हमको बदल देना है। तो जिस वर्ब में ये लगा रहेगा, आपको ये टोटल पार्ट का इंग्लिश लिखना है, या तो सेल या तो विल प्लस बी, यानी सेल बी या विल बी। और जो वर्ब है यहाँ पे, यहाँ जो वर्ब है इसको हम यहाँ लाके किस में बदल देंगे? भी फोर में। और ये इस टोटल वर्ड का मीनिंग हो गया। तो लास्ट से जब हम लोग पीछे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सेल बी विल बी को पहले लेना है, और फिर हम लोग रहा रहे रही का भी फोर ले लेंगे, और फिर हम लोग सेंटेंस में आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर इसका फिर हम लोग कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो देखो इसका फिर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, फिर वही कॉन्सेप्ट होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट का मतलब हम लोग क्या सीखे जी? सब्जेक्ट। एंड लास्ट का मतलब हम लोग क्या सीखे यहाँ? यहाँ हो गया आपका सेल बी, या इसके बदले में चलेगा विल बी। सेल बी या विल बी में से कोई एक चीज लगेगा। हम आपको पहले भी बतलाए हैं कि जब दो वर्ड आपका किसी जगह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो ध्यान रखना है इसमें एक ही पार्ट जो है आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, मात्र एक पार्ट। तो यहाँ सेल बी में सेल हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, विल बी में विल हो गया हम लोग का हेल्पिंग वर्ब। जिस इस दोनों को हम लोग मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं, मॉडल वर्ब। सेल और विल मॉडल वर्ब है। अच्छा, आप विल सेल हेल्पिंग वर्ब के भी तरह यूज करिए, लेकिन है ये मॉडल वर्ब। तो आपको लास्ट में आपको सेल लेना है या विल लेना है, बी अपने जगह पर ही रहेगा। तो बनाने का अगर हम इसी का वैल्यू को बैठा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर। तो वैल्यू को बैठा दो, हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वैल्यू क्या सब आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट, और प्लस फिर इसके बाद या तो लग जाएगा लास्ट वर्ड सेल बी, या तो लग जाएगा विल बी, और इसके बाद जो वर्ब रहेगा हम उसको भी फोर कर देंगे। तो हमारा यह स्ट्रक्चर हो गया। तो अब सेंटेंस ले लेते हैं। इस पर बनाने का रूल क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी सेंटेंस एक ले लेते हैं, वह जीवन की संघर्ष, जीवन की संघर्ष को समझने के लिए संघर्षशील होकर आगे बढ़ रही होगी, आगे बढ़ रही होगी। अब इस सेंटेंस को बनाने का हम लोग सीधा रूल क्या पढ़े जी? फर्स्ट एंड लास्ट हम लोग इसका रूल पढ़े हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट वह, रही होगी इसका लास्ट वर्ड है, जिसमें होगा होंगे होगी का सेल बी या विल बी होता है। तो वह का सी, और इसके साथ लग जाएगा
विल बी। अब यहाँ पे रही किसके साथ लगा, आगे बढ़ मतलब आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ना का अंग्रेजी होता है गो अहेड, तो गो का भी फोर हो जाएगा गोइंग, और इसी में हम लोग लगा लेंगे अहेड, तो गोइंग अहेड भी फोर हो गया। यहाँ ये भी आपका बन गया, आगे बढ़ना भी बन गया। होकर का हम आपको सिखाए हुए हैं, कहीं भी ये वर्ड हम आपको सिखाए हुए हैं कि कहीं अगर होकर लगा हुआ रहे तो हम लोग क्या सीखे हैं जी, तो होकर को किस वर्ड से हटा देंगे, बिंग से। आपका वर्ड लिख करके हम दिए हुए हैं, वहां पे ध्यान दीजिएगा और ये सब वर्ड याद रहना चाहिए। तो होकर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंग लिखेंगे, होकर खत्म। इसके बगल में क्या है, संघर्षशील, तो इसका इंग्लिश वर्ड क्या लिखेंगे, स्ट्रगल फुल, तो स्ट्रगल फुल दिए, संघर्षशील खत्म। के लिए का आप सीख चुके हैं टू होता है, तो समझना अंडरस्ट के लिए का टू, बगल में है समझना, इसका अंग्रेजी वर्ड हम लोग जानते हैं अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड हो गया समझना। अब यहाँ पे को है, को का इंग्लिश हम लोग दस सीख चुके हैं, इसके बगल में देखो फिर संघर्ष है, तो इसकी इंग्लिश वर्ड जो होगा स्ट्रगल होगा, तो स्ट्रगल लिखेंगे। फिर की है, तो की का ऑफ, और इसके बगल में जीवन है, तो जीवन का लिख देंगे लाइफ। तो हमारा सेंटेंस पूरा बन गया, ठीक है, पूरा सेंटेंस बना हम लोग का, सी विल बी गोइंग अहेड, बींग स्ट्रगल फुल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। तो पूरा सेंटेंस बन गया, एक सेंटेंस सिंपल फ्यूचर। अब इसी में हम लोग अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें हम लोग रूल क्या पढ़े थे, इसमें हम लोग का कॉन्सेप्ट चलेगा, इसमें फिर कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो हम लोग लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या चलेगा जी, तो लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट प्लस फिर जो आ जाए वो सब लेंगे। यहाँ लास्ट का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं, लास्ट का मतलब हम लोग सीखे हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या तो सेल या तो विल। अब यहाँ पे फर्स्ट का मतलब क्या सीखे हैं, तो फर्स्ट का मतलब हम लोग सीखे हैं सब्जेक्ट, और शेष चीज को बनाने के लिए क्या करना है, तो हमको पीछे से आगे बढ़ना है, और इसी का वैल्यू को अगर हम बैठा देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी का हम वैल्यू को अगर यहाँ पे बैठा देंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखो फिर क्या बनता है, सेल या बन जाएगा विल, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, और फिर हो जाएगा इसके बाद बी, और अगर नहीं रहे तो नॉट बी। अगर नहीं नहीं रहेगा तो सिर्फ बी लगाएंगे, और अगर नहीं दिख जाए तो हम नॉट बी करेंगे, फिर भी फोर जो रहेगा उसको भी फोर प्लस, इसके बाद नहीं कुछ तो डॉट डॉट, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर पीछे से आगे की तरफ हमको बढ़ जाना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। सेंटेंस लेके देखते हैं, क्या तुम एक सुंदर, क्या तुम एक सुंदर, क्या तुम एक सुंदर घर में नहीं रह रहे होगे, रह रहे होगे। तो विल यू नॉट बी, रहना का लिव, लिविंग सुंदर घर में, तो इन ए या सुंदर घर में, ये सब बताए हुए हैं कि मैं वाले पार्ट में, मैं वाला वर्ड कहीं भी हो और अगर इसमें शब्द एक लग जाए तो आप इन ए से बनाइएगा। ये सबको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बार बार वही सब चीज आएगा। विल यू नॉट बी लिविंग इन ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल घर हाउस, विल यू नॉट बी लिविंग इन अ ब्यूटीफुल हाउस। देख लो एक सेंटेंस और, क्या वह संसार की समस्याओं पर विचार नहीं कर रही
होगी, कर रही होगी, क्या वह संसार की समस्याओं पर, समस्याओं पर विचार नहीं कर रही होगी? क्या सबसे पहले लग गया? तो हम लोग रूल पढ़ें कि अगर क्या सबसे पहले लग जाए तो हम लोग इसको बनाने का सीधा रूल जानते हैं। क्या सबसे पहले, क्या बोले कि ये दिखाने के लिए होता है सिर्फ, क्या का अलग से कोई इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको लास्ट वर्ड को सबसे फर्स्ट में लाना है और जो इस वाक्य का सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे वह था छूट गया, वह ले लेते हैं, तो वह इस वाक्य का सब्जेक्ट है और हम इसको इसके बाद रखेंगे। तो क्या का वह के अनुसार से, सी के अनुसार से क्या हो जाएगा, विल, तो विल को पहले, यानी ये लास्ट वर्ड हो गया, ये फर्स्ट, तो विल सी, नहीं कर रहने से नोट बी लगाते हैं, नहीं कर रही होगी तो नोट बी, अब यहाँ पे क्या कर रही होगी तो विचार, विचार करना का कंसीडर होता है तो कंसीडरिंग कर देंगे, है ना, कंसीडरिंग, तो विल सी नोट बी कंसीडरिंग, विचार नहीं कर रही होगी, पर का आप जान रहे हैं ऑन द होता है, समस्याओं का अंग्रेजी आप जानते हैं प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम्स, का के की का ऑफ होता है, और फिर संसार का द वर्ल्ड होता है, दुनिया में दुनिया एक है और जो दुनिया में एक है उसके पहले हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, या आर्टिकल द का हम आपको समझा चुके हैं रूल। और इसी टेंस में फिर होता है टर्म प्लस नेगेटिव, टर्म प्लस नेगेटिव, टर्म प्लस नेगेटिव को बनाने का आप कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, देखो बाबू कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हम लोग, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं टर्म सबसे पहले आता है और टर्म के बाद हम लोग रूल चलाते हैं लास्ट एंड फर्स्ट वाली, इसी का लाकर हम यहाँ पे वैल्यू को बैठा देंगे तो हमारा अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगा, टर्म की जगह पर टर्म ही होगा। लास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का मतलब या तो सेल होगा या तो विल होगा, और यहाँ पे फर्स्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट, और इसके बाद अगर नहीं है तो नोट बी लगाएंगे, अगर नहीं नहीं है तो सिर्फ बी लगाएंगे, और इसके बाद जो वर्ब है बिफोर प्लस डॉट 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 जो कॉम्प्लीमेंट आ जाए, और फिर पीछे से घूम जाना है और अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका बनाने का टर्म प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको एक सेंटेंस लेकर देख लेते हैं, वह किस कारण से, वह किस कारण से मानव की कल्याण में, मानव की कल्याण में एक महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रही होगी। सेंटेंस में आप देखिए कि सबसे पहले हम आपको क्या बताएगी, जो टर्म हमको दिखता है, टर्म का जो भी इंग्लिश होगा ये हो जाएगा एक नंबर, फर्स्ट हो गया, टर्म को पहले रखेंगे। टर्म के बाद हम क्या कहे कि लास्ट वर्ड का आपको इंग्लिश लेना है, लास्ट वर्ड देखिए होगी, अने ये हो गया आपका दो नंबर, और इसके बाद हम आपको कहे कि सब्जेक्ट अने की तीन नंबर। तो हमारा सबसे पहले किस कारण से ये टर्म क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे और इसकी इंग्लिश हो जाएगी फॉर व्हाट रीजन, मतलब हो गया किस कारण से, फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से टर्म ले लिए। टर्म के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब सेलिया विल लगता है, लेकिन सेलिया विल पर हमेशा एक चीज कहते हैं ध्यान रखने के लिए कि सेल विल कोई भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब लेने से पहले आपको एक बार सब्जेक्ट को देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कहता है। सब्जेक्ट अगर सेल लेने वाला है तो सेल लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट विल लेने वाला है तो हम विल लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वह का सी, सी क्या लेता है विल, तो यहाँ लगाएंगे विल सी, अगर नहीं है तो
तो नॉट बी लग जाएगा और जो वर्ब है वो भी फोर हो जाएगा। उठाना, उठाना का होता है टेक और टेक का हो जाता है बिफोर टेकिंग। अब है एक महत्वपूर्ण कदम, ये आपको अब एक साथ लेना है क्योंकि हम बताए हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव और नाउन दोनों लगता है तो पहले हम एडजेक्टिव को लेते हैं तब इसके नाउन को, लेकिन इसके पहले अगर कोई आर्टिकल है तो हम आर्टिकल को पहले लेंगे तब एडजेक्टिव और तब नाउन लेंगे। इसीलिए एक महत्वपूर्ण आदमी एन इम्पॉर्टेंट मैन, एक महत्वपूर्ण लड़की एन इम्पॉर्टेंट गर्ल, एक महत्वपूर्ण कदम एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। एक महत्वपूर्ण कदम का टेकिंग के बाद एन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम, ये पूरा बन गया। मैं का क्या लिखेंगे जी, इन द, कल्याण का वेलफेयर होता है, वेलफेयर, वेलफेयर का के की का ऑफ और मानव का मैन ह्यूमन, ये सब दे सकते हैं। सेंटेंस आपका यही बन गया। फॉर व्हाट रीजन विल सी नॉट बी टेकिंग एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द वेलफेयर ऑफ मैन, आपका ये पूरा सेंटेंस हो गया टर्म प्लस नेगेटिव। ये था हम लोग का सिंपल यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट पूर्ण भविष्यत काल, जिसमें कोई भी कार्य पूरा हो जाता है, पूर्ण भविष्यत काल फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, हर टेंस का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, सबका अपना अपना पहचान होता है। तो इसका पहचान क्या है, तो वर्ब के अंत में क्या लगा रहेगा जी, चुका होगा, चुका होगा, या लग जाएगा चुके होंगे, चुके होंगे, या लग जाएगा चुकी होगी, चुकी होगी, या लगा रहेगा चुका होऊंगा, चुका होऊंगा, चुके होवोगे, ये सब कुछ भी, ये सब जिस वर्ब में भी लगा रहता है आपको इसके लिए सीधा अंग्रेजी क्या यूज करना है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होऊंगा, चुके होवोगे, इसको वर्ड में कहते हैं बदल दो। इसका अंग्रेजी या तो हो जाएगा शैल हैव, या तो हो जाएगा इसके बदले में विल हैव। ये आपका चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी का अंग्रेजी। फिर यहां जो वर्ब है इसको हम यहां पे लाकर इसका जो वर्ब होगा वो यहां आकर भी थ्री हो जाएगा। तो इसमें आपको शैल हैव विल हैव के बाद जो मेन वर्ब होगा इसको लाकर हमको भी थ्री कर देना है, लेकिन लास्ट वर्ड यही होगा शैल हैव या विल हैव। अब शैल हैव विल हैव में यहां रफ कर रहे हैं, देख लीजिए, शैल हैव और विल हैव अगर हम इसको देखें तो यहां भी देखो दो गो वर्ड मिल करके ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जिसमें सेल और विल मॉडल वर्ब है, हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है। हैव को कोई लेना देना नहीं है सब्जेक्ट से। जब कोई भी सेंटेंस में दो वर्ब आकर के, जब दो वर्ब एक साथ यूज होता हो तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार से चलेगा, सेकेंड वर्ब फिक्स्ड होता है। तो ये इसका असल में मॉडल वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, सेल या विल। तो सेल या विल का आप रूल जान चुके हैं, आई वी रहेगा तो हम सेल हैव लगाएंगे, बाकी कोई सब्जेक्ट रहेगा तो हम इसके साथ विल हैव लगाएंगे, जिसमें से मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का जो काम है हैव नहीं कर रहा है बल्कि केवल सेल या विल करता है। तो सेल या विल आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में या आगे हो जाएगा। तो ये इसका हो गया पहचान। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट अगर लेंगे तो कॉन्सेप्ट सब में फिर वही चलेगा जी, फर्स्ट एंड लास्ट, कॉन्सेप्ट यही चलेगा फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट का मतलब हम लोग सीख चुके हैं सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट होता है, एंड लास्ट का मतलब हमेशा होता है एच वी, और यहाँ एच वी का मतलब होता है या तो सेल हैव
या तो हम इसके बदले में लगाएंगे विल हैव, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी थ्री हो जाएगा। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इसका वैल्यू को बैठा देंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, या बदले में बन जाएगा इसके बदले में विल हैव। जो मेन वर्ब है वो भी थ्री, फर्स्ट एंड लास्ट का वैल्यू बैठाए और फिर इसके बाद जो दिख जाएगा वो ऑब्जेक्ट और फिर शेष चीज कुछ भी रहे, वो सब को बनाने के लिए दो चीज लेने के बाद, सब्जेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट लेने के बाद पीछे से हम लोग को घूम जाना है। जैसे सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे आप एक सेंटेंस लिए कि उसने ऐसा नहीं किया होगा, उसने ऐसा नहीं किया होगा, तो यहां बन जाएगा आपका सी विल हैव, नहीं है तो नोट लगा दीजिएगा, नोट हैव फिर हो जाएगा, सी विल, ये हैव को यहां से काट देना है, सी विल नॉट हैव, करना का डू, अ डू का भी थ्री, डन और ऐसा का शो, तो सी विल नॉट हैव डन सो, वह उसने ऐसा नहीं किया होगा। दूसरा सेंटेंस, तुमने ताजमहल को देखा होगा, तुमने ताजमहल को देखा होगा, तो बन जाएगा यू विल हैव, सी का भी थ्री, सीन द ताज महल, यू विल हैव सीन द ताज महल, तुमने ताज महल को देखा होगा। तो ये आपका यहाँ assertive सेंटेंस बना। अब इसी में हम दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा interrogative प्लस negative, और इसका कॉन्सेप्ट हम लोग हर जगह सीखे हैं, लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट। अब यहाँ लास्ट का मतलब, हर जगह लास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ आपका चलेगा सेल हैव, या बदले में चलेगा विल हैव, सेल हैव या विल हैव, और फिर प्लस यहाँ लास्ट फर्स्ट का मतलब, फिर यहाँ सब्जेक्ट, और इसके बाद फिर जो भी हमको दिखेगा वो सब को बनाने के लिए पीछे से आना है, फर्स्ट में हमको यही लेना है। और ये एक चीज़ हम आपको बार बार कहते हैं कि जब दो वर्ब एक साथ यूज हो, देखो सेल भी वर्ब और हैव भी वर्ब, दो वर्ब जब एक साथ कहीं यूज होता है तो उसमें यहाँ देखो विल भी वर्ब, हैव भी वर्ब, दो वर्ब जब कहीं भी यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमेशा फर्स्ट वाली वर्ड को, यानी सेल और विल, यही दो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यही आपका आगे पीछे होगा, और जो दूसरा वाला हैव है वो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, उसको हम आगे पीछे नहीं करेंगे। और इसके बाद हम फिर सब्जेक्ट के बाद, यानी इसको हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, तो हैव अपने जगह पर जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे होगा। जैसे हम इसी का वैल्यू को बैठा रहे आप, तो सेल आपका आगे हो गया, अन्य लास्ट वर्ड आगे ले लिए, फिर हम ले लिए सब्जेक्ट को, और फिर इसके बाद हैव इसके बाद, तब आपको फिर भी थ्री, या अगर नहीं है तो नोट लगा दीजिए आप इसी जगह, तब नोट यहीं लग जाएगा, तब फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे ये नोट हो गया इस जगह, फिर भी थ्री, फिर जो आ जाए इसके बाद डॉट 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 खाली जगह, सब पीछे से घूम जाना है। जैसे सेंटेंस देखिए, आप किसी को कहे क्या तुमने सपने में ताजमहल को नहीं देखा होगा, क्या तुमने सपने में ताजमहल को नहीं देखा होगा, तो क्या लगा हुआ है, क्या सबसे पहले दिख जाए तो लास्ट वर्ड को हम पहले लेंगे, और लास्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, होगा, तो होगा, देखा होगा, चुका होगा, ये सब जब भी आए तो सेल या विल आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल नहीं विल हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड क्या खत्म,
तुमने का यू, यू के अनुसार से विल। अब इसके बाद अगर नहीं है तो नोट के बाद हैव लगा देंगे और फिर जो वर्ब है देखना है इसका भीतरी हो जाएगा सीन। पीछे चलते जाना है को का हम लोग लिखेंगे द, इसके बाद है ताजमहल तो यहाँ हम लोग भी लिखेंगे द ताज महल, और इसके बाद फिर क्या है मैं का लिखेंगे इन और सपने, तो इन योर ड्रीम्स, इन योर ड्रीम्स। ये पीसी है, इस जगह पीसी है, पॉजेसिव केस है। कभी कभी सेंटेंस में हमको पीसी एम्पायर से चल सकते हैं लेकिन जब भी बाहर निकलते हैं तो हम चप्पल और जूता ढूंढने लगते हैं ना, चप्पल और जूता क्यों, क्योंकि नंगा पैर हमको चलने में दिक्कत होती है तो ऑटोमेटिक आप अपने पैर का चप्पल और जूता ले लेते हैं। तो वैसे सेंटेंस में भी कुछ चीज ही ऑटो होता है। हमारे शरीर में गॉड ने भी बहुत सारा चीज़ ऑटो सिस्टम लगा दिया है। रोने की मुद्रा में आते हैं आंसू ऑटोमेटिक निकल जाती है ना। बैठते हैं मान लो 5 मिनट करने के लिए, बैठते हैं पेशाब हो जाता है। जाते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं, सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं और फ्री में हम लोग का हाँ पेशाब हो जाता है, सुसु हम लोग को फ्री में हो जाते हैं। तो हम लोग के शरीर में फ्री में भी कुछ लगाया हुआ है, तो ऐसे ऑटोमेटिक है। जाओगे पैखाना पेशाब हो जाएगा, फ्री में होता है पेशाब करने गए नहीं लेकिन पेशाब करने में पखाना नहीं हो, अगर ऐसा कभी हो जाए तो लूज मोशन हो गया फिर डॉक्टर के पास जाना होता है। तो फ्री का सिस्टम गॉड नेचर में बहुत पहले से दे कर रखा है। हम लोग पेड़ लगाते हैं फ्री में फल मिल जाती है ना, पेड़ लगाते हैं फ्री में फल मिल जाती है, पीते हैं पानी निकाल देते हैं कुछ और। तो गॉड बहुत पहले ये फ्री का सिस्टम दे के रखा है हमारे शरीर में। तो पढ़ाई सब में भी ये चीज़ होता है कि कभी कभी सेंटेंस, जैसे आप लोग कहते हैं कि हमें गरीबों का मदद करना चाहिए, तो कहीं नहीं है कि हमें अपने गरीबों का मदद करना चाहिए। सेंटेंस रहता है हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं वी शुड हेल्प द पुअर। फिर देखो हम लोग कहते हैं हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स। अपने नहीं लगा है, कोई ऐसा भी दिया कि हमें माता पिता का सम्मान, तो किसके माता पिता का सम्मान करोगे, अपने या दुनिया के सारे माता पिता को सम्मान करने के लाठी लेके दौड़ जाओगे। कोई कहता है कि माता पिता का सम्मान करो तो मतलब अपने, कम से कम अपने, तो यहाँ आवर छुपा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट वी है तो आवर, सब्जेक्ट यू है तो योर छुपा हुआ है, सब्जेक्ट आई है तो माई छुपा हुआ है। तो जो छुपा हुआ है उसको निकाल देना है, जो छुपा हुआ है उसको निकाल देना। जैसे हम लोग के बॉडी में ब्लड छुपा हुआ है, जरूरत होता है तो कैसे सिरिंच लेकर के उसको निकाल लेते हैं, तो उसी तरह से कुछ चीज़ छुपा होता है उसको निकालना पड़ता है। ये पढ़ते जाओगे और तुम्हारा डीप नॉलेज हो जाएगा ना, वो अपने आप ये सब आ जाता है। करते रहो ना, मैक्स क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस बार बार करने से आदमी को परिपूर्ण कर देता है, परफेक्ट बना देता है, तो फिर वो करो तो करना होगा ना, बिना प्रैक्टिस का। सरस्वती जी है ना, लक्ष्मी जी थोड़ी है, निकल जाइएगा 10% कमा के आ जाइएगा, लक्ष्मी आ जाएगी आपके पास लेकिन सरस्वती नहीं आएगी। बड़ी टेढ़ी खीर है, इसको पाने के लिए बहुत कागज और कलम को तोड़ना पड़ता है, घिसते घिसते 30-35 वर्ष उम्र बीत जाती है तब जो है सरस्वती जी आपके पास आती। कोई ऐसा दवाई नहीं बना जो आपको दे दिया जाएगा, या हम दे देंगे या डॉक्टर देता, तो पहले तो हम ही ले लेते ना, सबको देते, पूरा इंडिया एकदम विद्वान बन जाता, पूरा दुनिया बन जाता। ऐसा कोई दवाई नहीं है, दवाई ही है। पढ़ोगे मेहनत करोगे तो फिर ये होगा, बने रहिए इसके साथ, दूसरा कोई काम ही नहीं। आपको छोड़ दीजिए साल दो साल चार साल, आप सारे काम को आप बाबा जी बन जाओ, फिर देखो फिर क्या चमत्कारी रिजल्ट होता है आपका। रिजल्ट के बारे में सोचिए मत, आप जो करते हैं वो करते रहिए, खाली परिणाम अपने आप आता है। वो शोर मचा के नहीं आएगा, चुपके से आ जाएगा, अब पूरा दुनिया को बता देता है, ठीक है, पूरा दुनिया जान जाएगा इसको। हाँ, आर्ट्स वाले बहुत ही कमजोर समझते हो तुम लोग अपने आप को, है ना। आर्ट्स वाला बहुत कमजोर होता है, बेवकूफ बहुत बड़ा होता है आर्ट्स वाला। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं तुमको, तुम आर्ट्स पढ़ रहे हो, कोई साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, तीन फैकल्टी हमारे सामने आता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीन चीज। बहुत ही तेज बच्चा है कहाँ, साइंस पढ़ेंगे साइंस रखेंगे, ठीक है। बहुत ही उससे थोड़ा कमजोर है, कहता हम कॉमर्स से पढ़ेंगे आर्ट्स नहीं रखेंगे, भूगोलों का आर्ट्स होता है। और जो बच्चा अपने आप को कमजोर समझ लेता है थोड़ा बहुत, सबके लिए लागू नहीं होगा, कुछ कुछ के लिए होगा। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि आर्ट्स कमजोर विषय होता है, हम तो नहीं मानते हैं ऐसा कि आर्ट्स कमजोर होता है, कोई विषय कमजोर होता ही नहीं है, सब अपने आप में महान है। तो अब देखो आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो ये अपने आप को बलिष्ठ समझने लगा, ये थोड़ा सा कम और ये सब उससे भी कम,
तो ये सब अपना अपना विषय का सेलेक्ट कर लेता है ना, पढ़े जा रहा है एकदम इतना पढ़ लेता है, जाके कुतुब मीनार में ही धक्का मारने लगता है। पूछता है कोई, कुतुब मीनार में धक्का मार रहे हो भाई, क्या करोगे इसको? तो ले जाएंगे अपना गांव, वहां अपना गांव में बड़ा सा टावर खड़ा कर देंगे, जीएफ का फोन नहीं लगता है, वहां ऊपर का टावर में चढ़ जाएंगे और वहां से नेटवर्क टनाटन रहेगा, जीएफ से बढ़िया से बात हो जाएगा। गदानतन काम कुछ ऐसा करो जो बड़का सा टावर, कुतुब मीनार को क्या धक्का मार रहे हो, क्या वो तुम्हारा गाँव चला जाएगा? ऐसा कुछ करो जो गाँव में अपना तुम कुतुब मीनार खड़ा कर दो, फिर नेटवर्क भी रहेगा, जीएफ से भी बात हो जाएगी। तो ये तो गधा वाला काम हो गया ना, घोड़ा वाला तो काम नहीं कर रहे हैं। काम घोड़ा भी करता है, गधा भी करता है। गधा करता है बेवकूफ वाला काम, और घोड़ा स्मार्ट काम करता है। इसीलिए घोड़ा के काम को हम लोग पूछते हैं और साइंस में HP लिखते हैं, हॉर्स पावर, है ना। एस पावर तो नहीं आता, गधा पावर, हॉर्स पावर लिखते हैं। चल यहां देख, साइंस वाला पढ़ा लिखा बहुत बड़ा, बहुत तेज था, इंजीनियर बन गया, ठीक है, ठीक। कॉमर्स वाला पढ़ गया, ये MBA बना, इंजीनियर बना दी, पुल रोड सड़क बिल्डिंग ये सब बनाना शुरू कर दिया। अब ये सब जब ये बनाने लगा तो ये देखो, ये जो कॉमर्स पढ़ा ये बेचारा क्या हो, MBA किया, अब ये इंजीनियर बन के कहाँ चले गया, MBA वाला के पास। MBA वाला के अंडर में कौन काम कर रहा है, इंजीनियर है। देखो आर्ट्स पढ़ने वाला क्या किया है, UPSC निकाल दिया, ये SPDM बन गया, UPSC निकाल दिया। अब देखो जो भुजबलवा था, ये देखो तेज था, ये इंजीनियर बना, इससे कम तेज था कॉमर्स पढ़ के, MBA बना। आर्ट्स, आर्ट्स तो सबसे कमजोर समझते हैं आप लोग, आर्ट्स वाला क्या बन गया है, UPSC। अरे देख, इंजीनियर जो है वो किसके अंडर में काम कर रहा है बेटा, MBA। MBA वाला किसके अंडर में काम कर रहा है, UPSC। अब देख UPSC कहाँ काम कर रहा है, मैट्रिक जो पास नहीं किया वो बन गया नेताजी, नेता बन गया क्या बन गया, मिनिस्टर। UPSC को अब कौन चला रहा है, दसवां फेल बुड़बक नतन, कहाँ चल गया मामला। तो कम पढ़ा लिखा लोग ना ज़्यादा सफल होता है, ठीक है, ज़्यादा भी पढ़ लेगा ना बड़ा दिक्कत होगा, अखंड ज्ञानी मत बन। अब ये देखिए SPDM किसको चरा रहा है, अब इसको कौन चरा रहा है, नेताजी। नेताजी कौन बना है, दसवां पास भी नहीं है, नेताजी बन गया, महामंत्री बन गया है ना, चीफ मिनिस्टर बन गया, वहाँ ऑर्डर दे रहा है, SPDM बेचारा उसके पीछे पीछे घूम रहे इतना पढ़ करके। सब तुम्हारे पढ़ने पर है, दिमाग को ठीक करो, कोई विषय कमजोर नहीं होता, ठीक। हाँ, कभी कभी गाड़ी पे नाव और कभी कभी नाव पे गाड़ी, इसका मतलब यही होता है। अब इसी टेंस का लास्ट है टर्म प्लस नेगेटिव, टर्म प्लस नेगेटिव। हम इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग इसका हमको आइडेंटिफिकेशन भेजिएगा लिख करके, ये आप लोग का काम है, अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूर बना लीजिएगा। इसका हमको कॉन्सेप्ट भी भेजिएगा लिख कर, ऑनलाइन खाली क्या करते हैं देखते हैं कि नहीं, और फिर इसका स्ट्रक्चर बना के भी दीजिएगा, और एक एग्जाम्पल बना के हमको इस परफेक्ट का आप लोग वहाँ से भेज दीजिएगा हमको, हम यहाँ से टिक करके आपको भेजेंगे, ये चेक करने के लिए कि आप लोग कितना आदमी सही में इसमें लगे हुए हैं, ये आप लोग के काम के लिए है। टेंस हम इसी जगह ख़त्म करते हैं, आज के मॉडर्न डेट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ाएंगे और न ही आपको इसकी ज़रूरत होगी। कभी अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा, ता आ रहेगा, त्या रहेंगे, तिया रहेगी, ये सब लगा रहता है, पर आज के इतने हरी अप के लाइफ में इतना लंबा लंबा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही इससे क्वेश्चन टच होता है, और प्रायः इसका काम फ्यूचर टेंस के अन्य टेंस से काम चल जाता है, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमको नहीं पढ़ना है, टाइम व्यर्थ नहीं करना है। ये यहीं पे ख़त्म हुआ, और इसके बाद अब हम लोग करेंगे पूरे टर्म का एक पूरे टेंस का एक मास्टर क्लास हम आपको दे रहे हैं।